हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अन एकेडमी। तो जो भी बच्चे इस बार गेट 2023 में क्वालिफाई करें और उनका स्कोर बहुत अच्छा है, प्लस वो अगर एमटेक करना चाह रहे हैं, तो उनके मन में एक डाउट है, जिस डाउट को मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट है कि सर हम न्यू IIT प्रेफर करें या फिर हम ओल्ड NITs प्रेफर करें। तो यहाँ पर जो टॉप के NITs हैं और जो न्यू IITs हैं, उनके बीच में हम क्या प्रेफर करें, ये चीज़ बड़ा एक सवाल पैदा होता है। कई बच्चों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, तो उनको नहीं मालूम कि हमको क्या लेना चाहिए। अगर उनके स्कोर पर एक NIT ऐसी मिल रही है जो वाकई जिसका पिछले 10 साल से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और उसको एक नई NIT मिल रही है, तो स्टिल ही इज़ इन कन्फ्यूजिंग स्टेट कि हमको कौन सा चूज़ करना है, विच विल बी द बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैंने 5 यहाँ पर NIT लिख रखी है, NIT त्रिची, वारंगल, कैलिकट, राउरकेला और सूरतकल, ये 5 NIT ऐसी हैं जो ओल्ड NIT हैं। और मैंने ये किस बेस पर लिखी है मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास सर ये 5ों NIT जो हमको दिख रही है, NIT त्रिची, वारंगल, कैलिकट और राउरकेला, ये तो अगर इनमें से कोई NIT आपको मिल रही है तो आप इन NIT को प्रेफर कर सकते हैं एज कंपेयर टू द न्यू IITs, जैसे IIT जोधपुर है, गांधीनगर है, पलक्कड़ है, इंदौर है, मंडी है। इनके कंपैरिजन में आप ये NIT प्रेफर कर सकते हैं अगर आपके स्कोर पर ये NIT जो है वो मिल रही है। ठीक है, ये तो एक चीज आप देखेंगे, ये NIT जो है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप देखिए मैं जो है यहाँ बता रहा हूँ, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन और अगर आप CS ब्रांच से हैं तो आप इन NIT को प्रेफर कर सकते हैं। बाकी मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो मैं उनको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। फिलहाल मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और IN की। अगर आपको ये NIT मिल रही है तो आप प्रेफर कर सकते हैं। और इन NITs में आपको जो मैं बता रहा हूँ कि आप जो लेंगे वो आप इनमें कोर ब्रांच के लिए जा सकते हैं। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बोल रहा हूँ सर कोर के लिए, ध्यान दीजिएगा, कोर ब्रांच के लिए। जैसे कोर ब्रांच में अगर मैं बात करूं सर, पावर सिस्टम है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, ठीक है, पावर सिस्टम है सर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती है आपके लिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती है, पावर सिस्टम हो सकती है सर ये ब्रांच, तो यहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती है सर, सिग्नल प्रोसेसिंग हो सकती है सर, BLSI हो सकती है ये, तो ऐसे करके जो कोर ब्रांच है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल हो सकता है, तो ये आप ले सकते हैं ये NIT आप। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि आप ये NIT ले सकते हैं, ये वाली NIT ले सकते हैं अगर मिल रहा हो, लेकिन सवाल ये आपके दिमाग में आएगा कि सर ये NIT तो हम ले लेंगे, लेकिन किस IIT के रेस्पेक्ट में हमको ये चूज करनी चाहिए, कौन सी न्यू IIT होनी चाहिए। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि सर यहाँ पर कुछ न्यू IIT है, अगर उनके कंपेरिजन में आपको ये दिखता है, जैसे आप ये देखिए, ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ न्यू IITs लिख रखी हैं, अगर इनके कंपैरिजन में आपको NIT मिलता है तो आप डेफिनेटली ये NIT चूज करेंगे। ये तो जैसे ये हमको दिख रहा है सर IIT मंडी, अगर हम हमारे पास हो ऑप्शन में, पलक्कड़ हो, रोपड़ हो सर, धरवाड़ ये है, गांधीनगर है और जोधपुर, ये NITs अगर हम, ये IITs अगर हमको मिल रही है, हालांकि ये IIT, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये IIT खराब है, इनका भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, मंडी का भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, लेकिन अगर आप NIT त्रिची की बात करेंगे तो NIT त्रिची में अगर आप लास्ट ईयर्स का प्लेसमेंट देखेंगे, BLSI और कम्युनिकेशन करके है, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, इनका प्लेसमेंट 100% है, ठीक है, 100%। मैं यहाँ प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में बात करूंगा कि ये NIT मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, इन IIT के कंपैरिजन में अगर यहाँ पर 20 स्टूडेंट इनरोल हुए त्रिची में, BLSI और कम्युनिकेशन दोनों में मिलाकर, तो 20 के 20 प्लेस हुए हैं। ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट इधर कम है, दोबारा समझिए बात को, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इन IITs में प्लेसमेंट नहीं है, पलक्कड़ का भी अच्छा प्लेसमेंट है, मैं खुद बता चुका हूं कि लो गेट स्कोर वाले पलक्कड़ यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये ऑफर मिल रहा हो तो मैं ये कहूंगा कि पहले आप ये वाला ऑफर लें एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, ये चीज मैं यहां समझाना चाह रहा हूं। तो
तो जिन बच्चों को ये ओल्ड एनआईटी चूज करने का मौका मिल रहा है वो पहले ये एनआईटी का प्रेफरेंस दें अगर उनको अपना करियर बहुत अच्छा बनाना है तो। ठीक है, त्रिची हो गया, बरंगल हो गया, इनका एकदम 100% प्लेसमेंट है, 98-100% प्लेसमेंट आपको मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम इधर जाएं या फिर इधर लें। अब किसी बच्चे को त्रिची मिल रही हो और उसको नहीं मालूम हो, ठीक है, और उसने मान लीजिए कोई आईआईटी ले ली, ये आईआईटी मंडी भी ले ली, लेकिन उसके पास चांस था, ऐसा नहीं है कि आईआईटी मंडी का प्लेसमेंट खराब है, नहीं है। अगर आपका गेट स्कोर कम है और आपको त्रिची और वारंगल नहीं मिल रहे, मान लेते हैं त्रिची वारंगल नहीं मिल रहे, ठीक है, और कैलिकट भी आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर आप मंडी चूज कर लेंगे तो ठीक रहेगा, आपके लिए एकदम अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो एनआईटीज मैंने आपको बताई है इनका प्लेसमेंट सिनेरियो बहुत हाई है, ये इनका जो परसेंटेज प्लेसमेंट का वो बहुत ज्यादा है इनके कंपैरिजन में, लेकिन प्लेसमेंट इधर भी अच्छा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर आप इन एनआईटीज को प्रेफर करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे रीजन में रहेंगे। ये अच्छा, यहां पर मैं दो नई आईआईटी और लिखूंगा इन एनआईटी के साथ, ठीक है। जैसे बीएलएसआई में अगर आप देखेंगे तो आईआईटी इंदौर अगर आपको मिल रहा हो तो आप आईआईटी इंदौर भी ले सकते हैं, और अगर आपको आईआईटी हैदराबाद, ठीक है, अगर आपको आईआईटी हैदराबाद भी मिल रहा हो तो आप चूज कर सकते हैं आईआईटी हैदराबाद भी, ठीक है। ये इन एनआईटी के प्रेफरेंस में मैं ये कहूंगा, मैं ये न्यू आईआईटी है लेकिन इनका जो प्लेसमेंट का रेशियो है वो इन्हीं के टक्कर का है, एकदम जबरदस्त इसी लेवल पर है। तो ये यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर हम ओल्ड आईआईटी में जाएं या न्यू आईआईटी में जाएं। तो हमारी चॉइस ये होनी चाहिए कि हमको पहले प्लेसमेंट वाइज देखना चाहिए कि जहां हम जा रहे हैं अगर ये हमारी रेंज में है तो ठीक है। हाँ, किसी बच्चे की रेंज में ये नहीं है जिसका गेट स्कोर उस लाइक नहीं है कि वो एनआईटी बारंगल, त्रिची या फिर कैलिकट ले पाए, अगर उसको लगता है कि नहीं सर मेरा गेट स्कोर नहीं है, और उस उतने में अगर उसको पलक्कड़ मिल जा रहा है तो फिर वो पलक्कड़ चूज करेगा, उसके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है, पलक्कड़ का भी प्लेसमेंट अच्छा है, फिर उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, वो कर लेगा, मैनेज हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज समझनी चाहिए कि सर मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं, ये तो यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमको क्या करना है। तो पहले से मैं आपसे ये बोलूंगा कि जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो एमटेक 2023 के एडमिशन के लिए जाना चाह रहे हैं, ठीक है, जो एमटेक 2023 के एडमिशन के लिए जाना चाह रहे हैं, वो पहले अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट बना लें, प्रॉपर प्रेफरेंस एक लिस्ट बना लें कि सर मेरे पास ये लिस्ट है और मैं जब काउंसलिंग में बैठूंगा तो ये ऑप्शन ही मेरे अगर आएंगे तो इनको लॉक करूंगा। ऐसा नहीं हो कि आपको कोई भी ऑप्शन मिल रहा है उसके बाद में आप बस लॉक कर दे रहे हो, तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए। उसी सिलसिले में मैंने ये आपको वीडियो बनाया कि अगर आपको एनआईटी में चांस मिलता है, अगर आपको एनआईटी मिलती है सीसीएमटी की काउंसलिंग में आप बैठते हो और पहले राउंड में ही दूसरे राउंड में बरंगल मिल जाता है, त्रिची मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से आपको लॉक करना चाहिए एज कंपेयर टू दीज न्यू आईआईटीज, ठीक है। ये तो न्यू आईआईटी और ओल्ड एनआईटी के बीच में जो हमको क्या चूज करना है उस सिलसिले में आपको इन सब चीजों पर देखना चाहिए और अपने दिमाग में बैठाना चाहिए कि सर अब कोई बच्चा है इलेक्ट्रॉनिक्स का है या इलेक्ट्रिकल का है तो वो पहले जाकर ये सारे में चेक करे कि इसमें मेरे कौन कौन से ब्रांचेस हैं जो मुझे ऑप्ट करने हैं। ऐसे नहीं सर मेरे बताने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद से भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको पहले ऑप्ट करना पड़ेगा कि सर ये चीजें हैं जिनको मैं ऑप्ट कर सकता हूं। जैसे एनआईटी त्रिची में मुझे कौन सी ब्रांच ऑप्ट करनी सही रहेगी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूं तो, हालांकि दो ही ब्रांच है बीएलएसआई और कम्युनिकेशन करके, कैलिकट में मैं जाऊंगा तो अगर कैलिकट में मैं कौन सी ब्रांच ऑप्ट करूंगा, तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेगी, अपना एक नोट बनाना पड़ेगा, तब जाकर आप ये एनआईटी चूज कर पाओगे, तब आप एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू जा पाओगे, ठीक है। ये तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, अब मुझे लगता है ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि कहां से मुझे किस रेंज में कौन सा इंस्टीट्यूशन मिलेगा तो कहां मैं जाऊंगा, ये ठीक। तो प्लेसमेंट रेशियो वाइज जो एनआईटी मैंने इधर लिखी है इनका बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट इनका भी अच्छा है, लेकिन मैं इनको प्रेफरेंस ज्यादा दूंगा, ठीक है। तो ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूंगा, बाकी अगर कोई भी आपको लगता हो कि आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक।